समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की 5 जुलाई को राघोपुर डुमरिया गांव में मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर पीड़िता राजकुमारी देवी थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वे अपने घर पर सोई हुई थी कि उसी समय गांव के ही हरे कृष्ण महतो, अमर महतो, पप्पू महतो, चंद्रदेव महतो के अलावे अन्य 10 लोग के द्वारा महिंद्रा ट्रैक्टर 475 लेकर उनके दरवाजे पर आए। दरवाजे पर रखा हुआ गुमती के पास खड़ा होकर गाली गलौज करने लगे। उक्त सभी आरोपी के हाथ में लाठी डंडा लेकर मारपीट करने को लेकर उतारू है, जिसका वीडियो होने की बात कही गई है। पीड़िता ने जब विरोध किया तो अमर महतो, हरे कृष्ण महतो, चंद्रदेव महतो गाली गलौज करते हुए बांह पकड़कर धक्का देकर गिरा दिया और ट्रैक्टर से धक्का मारकर घूमती तोड़ दिया, जिसमें रखे 10,000 नगद और इलेक्ट्रिक सामान कीमत लगभग 20,000 और एक सोने का चैन लूट कर ले गया। वहीं दूसरी ओर अमर किशोर महतो ने थाने में आवेदन देकर कहा कि 5 जुलाई के शाम में उनके ग्रामीण सत्यदेव महतो, विनोद कुमार, उमेश महतो, सुबोध कुमार, रंजीत कुमार के द्वारा उनके खेत में आकर केले का पेड़ को काटने लगा। इसकी सूचना मिलते ही वे वहां पहुंचकर मना की तो उपरोक्त सभी मिलकर मारपीट कर जख्मी कर दिया। हाथ से अंगूठी कीमत 30,000 रुपया छीन लिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए उपरोक्त घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं आवेदन पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर के विभूतिपुर से अशोक कुमार की रिपोर्ट।